हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बैटविंग अपीयरेंस चेस्ट एक्सरे में क्यों और कब देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बैट विंग अपीयरेंस को समझें उससे पहले हमें समझना होगा कंसोलिडेशन के बारे में। कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होता है? दोस्तों, जब हमारे एल्वियोलर एयर स्पेसेस में कोई फ्लूइड भर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जब हमारे फेफड़ों में कोई फ्लूइड भर जाता है तो वो हमें एक्सरे के अंदर कंसोलिडेशन के रूप में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं बैट विंग अपीयरेंस की। दोस्तों, बैट विंग अपीयरेंस में होता क्या है कि जो हमारे पेरी हाइलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा हाइलम होता है, उसके सराउंडिंग्स में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि हाइलम क्या होता है और हाइलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है। तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके वो हमारी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हाइलम और हाइलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो बैट विंग अपीयरेंस में होता क्या होता है कि जो हमारे पेरी हाइलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो हाइलम का सराउंडिंग्स जो है, वहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, जिससे कि एक बैट विंग जैसी अपीयरेंस आपको चेस्ट एक्सरे में दिखाई देती है, यानी कि चमगादड़ के पंख के जैसे आपको अपीयरेंस चेस्ट एक्सरे में दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि बैट विंग अपीयरेंस आपको किन किन कंडीशंस में देखने को मिलती है। दोस्तों, ब्रोंकोनिमोनिया के अंदर, पल्मोनरी एडिमा में और वायरल निमोनिया के केसेस में आपको बैट विंग अपीयरेंस चेस्ट एक्सरे में दिखाई देती है। दोस्तों, कोरोना वायरस के अंदर भी कई पेशेंट के एक्सरेज में आपको बैट विंग अपीयरेंस दिखती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे बैट विंग अपीयरेंस आपको चेस्ट एक्सरे में दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि बैट विंग अपीयरेंस क्या होती है और कंसोलिडेशन क्या होता है और ये आपको चेस्ट एक्सरे में किस तरीके से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।